हिमाचल में लगभग एक दर्जन बीजेपी विधायकों के टिकटों पर अभी से तलवार लटक गई है। इसी के चलते कुछ विधायक चुनावी साल के शुरू होते ही इस संबंध में आशंकित हैं। ये नेता अभी से केंद्रीय नेतृत्व और सीएम जयराम ठाकुर की गुड लिस्ट में रहने की कवायद में जुट गए हैं। दूसरी ओर केंद्रीय नेतृत्व ने भी मौजूदा विधायकों से पूछा है कि पिछले 4 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। इसी के साथ ही कमजोर प्रदर्शन वाले बीजेपी विधायकों को अपने टिकट कटने की चिंता सताने लगी है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के 43 विधायक हैं। एक विधायक जुब्बल कोटखाई उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद कम हुआ है। विधानसभा के चुनाव इसी साल अक्टूबर के बाद होने हैं। दिसंबर में नई सरकार शपथ ले लेगी। इन सभी मौजूदा विधायकों के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व की पैनी नजर है। राज्य में हाल में हुए मंडी लोकसभा सीट सहित 3 विधानसभा हलकों अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई के उपचुनाव में कई बीजेपी नेताओं का कमजोर प्रदर्शन रहा है। इन्हीं में कुछ मौजूदा और कुछ पूर्व विधायक हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में तो कई विधायकों सहित कुछ मंत्रियों के कामकाज से केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट नहीं है। आगे भी ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए अच्छे प्रदर्शन वाले विधायकों और अन्य नेताओं को सूचीबद्ध किए जाने लगा है। इसी बीच ज्वालामुखी से बीजेपी विधायक रमेश धवाला ने पिछले दिनों टिकट जल्द तय करने की बात कर हलचल मचा दी है। धवाला ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अगर अभी से टिकट निश्चित किए जाएं, तो इसका हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को लाभ होगा। ये वही धवाला है जिन्हें पार्टी पिछले 4 साल से साइडलाइन किए हुए है, यानी इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में इन्हें रोड डिस्टर्ब किया जाता है। धवाला भी इस बात को लेकर आशंकित है कि कहीं पार्टी उनकी टिकट ही साफ ना कर दे, इसलिए अगर समय रहते पता चल जाए तो दूसरा विकल्प देख सके। ऐसे ही करीब करीब 12 विधायक हैं जो अपने टिकट को लेकर आशंकित बैठे हुए हैं। वहीं इस बाबत पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना का कहना है कि हमने पार्टी विधायकों से पूछा है कि वे बताएं कि पिछले 4 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। उनके रिपोर्ट कार्ड को देखा जाएगा। जहां तक टिकट तय करने की बात है तो इसके लिए फॉर्मूला यही होगा कि कौन जिताऊ है और कौन नहीं है। यहां अभी से टिकट तय करने की बात है तो इस बारे में स्पष्ट है कि इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। किसी से बोलने से टिकट तय नहीं किए जाते हैं, ना ही टिकट काटे जाते हैं। तो अब देखना ये है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में किसे टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा।